मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघा ने पार्टी की फिलहाल स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि कोई नेता संगठन से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि पार्टी ही नेताओं की पहचान बनाती है। सिंधिया और सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा है कि क्या यह लोग निर्णय लेने से पहले कार्यकर्ताओं से पूछते हैं। वहीं विधायक दल की बैठक को लेकर कहा है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि तमाम सारे मसलों को लेकर, तमाम सारी बातों को लेकर वो खुलकर मुखर होते हैं और जो पार्टी के हित में होता है वो बात भी करते हैं। सर, आज भी ट्वीट किए हैं आपने, आप किस तरीके से देखें उस ट्वीट को? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी नेता संगठन और पार्टी से बड़ा नहीं होता। अगर कोई नेता बनता है तो उसको पार्टी का समय रहता, पद देती, उसको आगे बढ़ाती, पहचान बनाती है। तो चाहे सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या और कोई भी हो, विधायक हो जो जा रहे आ रहे, क्या इन लोग कार्यकर्ताओं से पूछते हैं? जिन कार्यकर्ताओं ने इनको खड़ा किया, जिन्होंने जिंदाबाद मुर्दा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो आज उन लोगों से पूछ नहीं रहे हो। आप अपने हिसाब से, अपने पदों के हिसाब से निर्णय कर रहे हो। आप लोग आ गए ऊपर से पैराशूट से। ये जो बड़े लोग हैं, जो चाहे राजमहल में रहने वाले, चाहे बाहर से बड़े बड़े पढ़ के आने वाले, ये कार्यकर्ताओं से इनका संवाद ही नहीं है। नेता बन गए पार्टी के बल पे। अच्छे बोलने से थोड़ी होता है, लेकिन आपको लोगों की बात को भी सुनना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनना पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। अगर ये सब चीज़ें, इनको सब कुछ मिला है, अगर नहीं मिलता तो समझ में आता। वो कौन सी किसी की उम्र चली गई, अभी तो शुरुआत थी, युवा इनको कहते हैं, तो धैर्य के साथ रखना चाहिए। तो यही बात को लेके एक ये था कि पार्टी को तवज्जो दी जाए, ये मेरी भावना थी। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की, तो लगातार जिस तरीके से, चाहे प्रद्युम्न लोधी की बात करें या फिर सुमित्रा देवी की बात करें, दोनों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने फिर से रणनीति के तहत एक बैठक बुलाई है। चूंकि विधायक दल की बैठक पहले ही से निर्धारित थी, लेकिन अब उसको कैंसिल नहीं किया गया, उसको तमाम सारे विधायकों से वन टू वन की बात भी कही। देखिए, ऐसा नहीं है, कई बार बैठकें हुई है, बीच में भी सत्र नहीं था तो पिछले गए में नहीं बैठक हुई, तो सामान्य प्रक्रिया संगठन की। लेकिन जो जा रहे हैं, तो बीजेपी को लग रहा है कि हमारे को उपचुनाव के अंदर बहुमत नहीं मिल रहा, या तो आज जो सर्वे रिपोर्ट आई इनको एक ही सीट मिल रही, कांग्रेस को सभी सीटें मिल रही, तो ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से प्रलोभन देके लोगों को तोड़े, ताकि कांग्रेस का माहौल नहीं बन पाए। तो ये बीजेपी की साफ रणनीति है, डराने धमकाने की, प्रलोभन देने की। तो अब आप ये किस प्रकार से, किस स्तर पे आ गए, इनकी आप सोच दे सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले डर गए। बैठक में जिन विधायकों को जैसे सिकवे गिले हैं, वो भी चर्चा कर सकते हैं, पार्टी फोरम पर रख सकते हैं, इसको लेकर भी ये बैठक मानी जा सकती है। सही बात है कि जो बैठकें होती है, संगठन की बैठक होती है, तो सब अपनी अपनी बात करने का सबको अधिकार होता है, तो सही। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के ही कई बड़े नेता हैं जो बीजेपी की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। अजय बिश्नोई की बात करें या फिर हम जयवान सिंह पपैया की बात करें, पूर्व विधायक भी कई बीजेपी पर सवाल खड़े। देखिए, जिन्होंने, अब खैर ये इस पर मैं कोई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इतने सालों, 20-25 सालों से जो बीजेपी में है, तो जिन्होंने उनकी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो स्वाभाविक पीड़ा उनकी जुबान पे आएगी। साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये थे पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सालों से उसके लिए काम कर रहे थे, अगर उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो उनकी पीड़ा जरूर उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, आईएनडी24 भोपाल।